इसराइल गाजा जंग में अमेरिका और ब्रिटेन जहां इसराइल के समर्थन में है, वहीं यमन के हूती विद्रोही गाजा और हमास का समर्थन कर रहे हैं। यही वजह है कि हूती विद्रोही अपने नियंत्रण वाले इलाके से निकलने वाले व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इधर अमेरिका सहित उसके अन्य सहयोगी देश चाहते हैं कि व्यापारिक जहाजों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। इसको लेकर अमेरिका ब्रिटेन मिलकर यमन के हूती विद्रोहियों पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस बात की पुष्टि भी की है कि उनकी सेना ने यमन के सशस्त्र बलों यानी हूती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले किए हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में कई अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह भी दावा किया गया कि यमन के एक बड़े क्षेत्र में रडार सिस्टम, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के स्टोरेज वाले ठिकानों और लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। यमन में किए गए हमलों पर बाइडेन ने कहा कि ये टारगेटेड हमले साफ संदेश हैं कि अमेरिका और हमारे अन्य साझेदार अपने कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक लाल सागर से होने वाली आवाजाही को खतरे में नहीं डालने देंगे। बाइडेन ने भी कहा कि यमन में हमले के लिए इतिहास में पहली बार जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका और ब्रिटिश हमलों के तुरंत बाद यमन की सना सरकार में उप विदेश मंत्री हुसैन अल अजी ने चेतावनी दी कि अमेरिका और ब्रिटेन को अपनी इस भयानक आक्रामकता के लिए भारी कीमत चुकाने और गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अंसार अल्लाह राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद अल बुखैती ने अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा 2004 और 2015 में यमन के खिलाफ हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें जल्द ही एहसास होगा कि यमन पर प्रत्यक्ष आक्रामकता उनके इतिहास की सबसे बड़ी मूर्खता थी। आपको बता दें कि यमन पर किए गए अमेरिकी हमले को लेकर अमेरिका के भीतर ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी यमन पर हुए हवाई हमलों पर चिंता व्यक्त की है। इधर यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहे रूस ने भी यमन पर हुए हमलों को लेकर 12 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की आपातकालीन बैठक का अनुरोध किया है।